सो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट ड्रग यूज इन द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सबसे पहले देख लेते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है क्या। ये एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, धीरे 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 देखने को मिलती है, क्योंकि जो हमारा हार्ट है उसके पास ऑक्सीजन सप्लाई कम है, ठीक है, O2 सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है, कोई रीज़न जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गया, उसकी वजह से। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में पता ही है क्या होता है, अथीरोसिक्लेरोसिस हो जाती है, प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा प्लेक हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम पहुंचती है टू द हार्ट मसल्स। दूसरा रीज़न हो सकता है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन में क्या होगा, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है, और ब्लड जल्दी जल्दी जाएगी। दूसरा तीसरा रीज़न हो सकता है डायबिटीज़ में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाएगी तो क्या, हमारा जो ब्लड है उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करने देगा, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से ही कहीं ना कहीं लिपिड बढ़ रहा है, ठीक है, शुगर वगैरह वो सब लिपिड्स कहीं प्लेक फॉर्मेशन हो जाएगी। देन ये हो गया इसका कॉज। अब क्या होता है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो वो जो पर्टिकुलर रीजन है हमारे हार्ट का, ठीक है, वो अब इतना काम नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो कम हो गई है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द मसल्स या फिर वो सकता है कार्डिक मसल्स कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम है, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं हो रही है, तो अपना काम वो पूरे तरीके से नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम है, जिस तरीके से इसको पंप करना चाहिए था ब्लड लाइक फास्ट तरीके से, अब ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है, ये धीरे धीरे पंप कर रहा है, तो ब्लड वॉल्यूम हार्ट के अंदर ज़्यादा है और वो पंप कम कर रहा है, तो बॉडी की नीड्स पूरी नहीं होंगी एंड जो ब्लड वॉल्यूम उसके अंदर है वो बढ़ गया, तो हम कह सकते हैं ब्लड वॉल्यूम इन हार्ट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम हार्ट में ज़्यादा है और वो पंप क्या कर रहा है, वो कम कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन सप्लाई कम है। तो ये बहुत सारी कंडीशन, जैसे अब कोरोनरी आर्टरी डिसीज है उसे एंजाइना दिखने को मिलती है, तो वैसे ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर प्रोग्रेसिव कंडीशन है, जबकि हार्ट अटैक में क्या होता है, ब्लड सप्लाई एकदम ब्लॉक हो जाती है और पर्सन एट द टाइम डेड हो जाता है, या फिर अगर हम उसको ड्रग्स वगैरह देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये जो है प्रोग्रेसिव कंडीशन है जिसमें हार्ट फेल हो जाता है, ठीक है, मतलब हार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो अपना काम करने में फेल हो रहा है, उसको काम क्या करना है, बॉडी की नीड्स को पूरा करना है, तो उसकी वजह से क्या क्या देखने को मिलेगा, लाइक स्ट्रोक, ठीक है, ब्रेन में वो सब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो काम नहीं होगा। देन इसमें बात करें, इसमें दो तरह का हार्ट फेलियर है, एक है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, एक है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है या फिर वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट वो कब नहीं कर पाएगा, जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगी, ठीक है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में लिख रहा हूँ, वो कम होगी। और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कब होता है, जब वो स्टिफ हो जाते हैं, अगर इन केस हमारा हार्ट स्टिफ हो गया तो वो रिलैक्स ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो इतना ही बीट कर पा रहा है, और अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ही कम है तो वो पूरा ब्लड जो है वो बाहर फेंक ही नहीं पाएगा, वो धीरे धीरे फेंकेगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम अंदर बढ़ रहा है और बाहर नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी की नीड्स पूरी नहीं होती। तो ये सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, और ये हमने इसके रीजंस देख लिए, और होता क्या है इसमें, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द मसल्स डिक्रीजेस, ठीक है, और यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम हार्ट में ज़्यादा है, ये पॉइंट हार्ट में ज़्यादा है लेकिन कार्डिक आउटपुट तो कम है ना, कार्डिक आउटपुट कम होगा तो बॉडी की नीड्स पूरी नहीं होंगी, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर CHF, ठीक है। सो इसमें हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, और हमारे सिलेबस में 5 ड्रग्स हैं, ठीक है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स ही हैं सभी, तो हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में देखेंगे तो 5 ड्रग्स हैं। पहले एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि हम कौन कौन से ड्रग यूज़ करते हैं। सबसे पहला कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, सब ड्रग्स इसकी क्लास के हैं। सेकंड आ जाता है, हम कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को यूज़ करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ करते हैं,
कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में वही आएंगे डिगोक्सिन, डिगिटॉक्सिन, वो सब। एंटी हाइपरटेंसिव में हम जो यूज़ करते हैं वो हमारा टाइमोलोल, बीटा ब्लॉकर ही है। देन बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स में कौन कौन और आ गया, जैसे मेटाप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, बीटा प्रोलोल या फिर बिसोप्रोलोल। देन आ जाती है हमारी अगली क्लास, डायुरेटिक्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। डायुरेटिक्स क्या करेंगे, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएंगे ताकि हमारा जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ना हो, ठीक है। डायुरेटिक्स ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ ड्रग्स आएंगे आइनोट्रोप्स, तो आइनोट्रोप्स के बारे में देख लेते हैं। फार्माकोलॉजी का पार्ट भी है, तो उसमें दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव जो हार्ट रेट को बढ़ाएंगे, एक होते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव आइनोट्रोप्स क्या करते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। जबकि नेगेटिव आइनोट्रोप्स क्या करते हैं, कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स है, क्योंकि कैल्शियम अंदर आएगा तो कॉन्ट्रेक्शन होगी, तो कैल्शियम के इन्फ्लक्स को रोकते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन कम हो जाती है। तो अगर हम नेगेटिव आइनोट्रॉप्स यूज़ करेंगे तो इसी की वजह से ही, नेगेटिव आइनोट्रॉप्स यूज़ करने की वजह से ही हमारा CHF होता है, CHF होता है, या फिर हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये कार्डिक ग्लाइकोसाइड कौन से हैं, डिगोक्सिन और डिगोटॉक्सिन, ठीक है। ये उसकी होगी क्लासिफिकेशन। अब हम देख लेते हैं जो हमारे सिलेबस में ड्रग्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो सबसे पहला है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, इसमें हमारे पास दो ड्रग हैं, डिगोक्सिन एंड डिगिटॉक्सिन, ठीक है। हमने स्टीरॉयड्स पढ़ लिया, तो स्टीरॉयडल न्यूक्लियस आएगा यहाँ पे, यानी कि फिनेंथ्रीन रिंग पर हाइड्रो, यानी कोई भी वहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। ये होगी फिनेंथ्रीन रिंग पर हाइड्रो, एंड देन साइक्लोपेंटेन रिंग, ठीक है। सेम यहाँ पे भी आएगा डिगिटॉक्सिन में भी, ठीक है। उसके बाद ये 19 कार्बन का है, तो CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे। अब जो इसमें जो इसको चीज़ अलग बनाएगी वो क्या है, यहाँ पे इसके 17th पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिंग होती है। कौन सा इलेक्ट्रॉन रिंग होता है, गामा इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 मेंबर रिंग होती है। तो 5 मेंबर रिंग कैसे बनाएंगे, ठीक है। और इसके ऑक्सीजन के बगल में डबल बॉन्ड हो, सेम यहाँ पे भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिंग दोनों में, ठीक है। उसके बाद इस कार्बन पे OH ग्रुप होगा, सेम यहाँ पे भी होगा, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ शुगर की बाइंडिंग होगी, तीन शुगर जुड़ती हैं, सेम यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास शुगर जुड़ी हुई है, तीन शुगर के मॉलिक्यूल हैं। अब ये कहता है जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इसमें एक ग्लाइकोन मॉइटी होती है, एक ए ग्लाइकोन मॉइटी होती है। ग्लाइकोन मॉइटी ये शुगर वाली, और ये ए ग्लाइकोन मॉइटी। तो यहाँ पे जो हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखना है वो क्या है, यहाँ पे ये 10th कार्बन, 11th, 12th, 12th पोजीशन पे यहाँ पे OH होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, तो ये डिगोक्सिन हो गया, ये डिगिटॉक्सिन, स्पेलिंग बड़ा है लेकिन OH ग्रुप यहाँ पे नहीं है, और डिगोक्सिन में OH ग्रुप है, ठीक है। और ये कौन सा ग्रुप है, गामा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये स्टीरॉयडल न्यूक्लियस पता ही है इसके बारे में, 19 कार्बन का है, इलेक्ट्रॉन रिंग है वो सब। नेक्स्ट क्या है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये काम कैसे करते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है, ये जो है हमारा, जैसे मैंने मान लिया ये मेरी मेम्ब्रेन है, ठीक है। मेम्ब्रेन पे दो तरह के पंप होते हैं, एक होता है
सोडियम पोटेशियम पंप, और दूसरा होता है सोडियम कैल्शियम पंप। ठीक है, यहाँ पे इसका काम क्या है सिंपल देखा जाए तो, तो यहाँ से पोटेशियम को अंदर आना और सोडियम को बाहर जाना। ठीक है, सोडियम यहाँ से बाहर जाएगा क्योंकि सोडियम जब अंदर आता है तो कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, मतलब नॉर्मल कंडीशन चाहिए एंड या फिर कैल्शियम अंदर आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, जब हमारी जो हमारे ये होते हैं कार्डियक ल्यूकोसाइट्स, ये क्या करते हैं, सोडियम एन ए के एटीपेज एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक करने से क्या होगा, ये जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसने क्योंकि इसको ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक करने से सोडियम तो ज़्यादा हो गया अंदर। अब जब सोडियम ज़्यादा अंदर है, सोडियम चाहेगा कि मैं बाहर जाऊँ। ठीक है, तो वो जो फोर्स लगेगी सोडियम को बाहर जाने की, तो सोडियम कैल्शियम चैनल का यूज़ करेगा, सोडियम कैल्शियम चैनल का यूज़ करेगा एल टाइप। तो सोडियम जितना बाहर जाएगा उतना कैल्शियम अंदर आएगा, जितना कैल्शियम अंदर आएगा अंदर क्या, सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो अंदर और कैल्शियम बनेगा, फिर जहाँ पे कैल्शियम वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि सारकोप्लाज्म रेटिकुलम में क्या होगा, कैल्शियम एक्टिन मायोसिन फिलामेंट वो सब बाइंड करेंगे जो जो सब भी है, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है। मैंने पहले बोला था कैल्शियम जहाँ पर होगा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होती है, और जहाँ पे साइक्लिक एएमपी साइक्लिक जीएमपी आ गया वहाँ पे रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे कैल्शियम बढ़ रहा है, कैल्शियम बढ़ रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इसने लिखा कैल्शियम बढ़ रहा है, क्या करता है ये, ब्लॉक करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम को, जिससे सोडियम का और कैल्शियम का एक्सचेंज बढ़ जाता है। जब इन दोनों का एक्सचेंज बढ़ जाएगा तो कैल्शियम अंदर आ जाएगा ज़्यादा, ठीक है, तो एस ए नोड ए बी नोड जो है वो उनका कनेक्शन बढ़ जाएगा। पहले ही देखा था कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, उसमें ऐसे नोड ए वी नोड, तो ये इसने क्या किया, इनका कंडक्शन बढ़ा दिया। सो क्या हुआ, हमारा फोर्स ऑफ कंडक्शन बढ़ गया क्योंकि कैल्शियम बढ़ा, कंडक्शन के लिए कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है, तो फोर्स ऑफ कंडक्शन बढ़ गया। ऐसे नोड ए वी नोड ने दूसरे को कंडक्शन दिया, कंडक्शन बढ़ गया। ठीक है, पर कैसे हुआ, सिर्फ याद रखना इट ब्लॉक्स द एन ए के एटीपेज एंजाइम। स्ट्रक्चर देख लिए, अब अगले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज एंडोथेलियल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसमें दो ड्रग हैं, पहले देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता क्या है। तो हमारे यहाँ पे दो तरह के एंडोथेलियल वन पे एंडोथेलियन वन एंड एंडोथेलियन वन, एंडोथेलियन वन जो है वो कन्वर्ट होता है एंडोथेलियन ए में और एंडोथेलियन बी में। तो मैं दो समझने के लिए कर रहा हूँ, तो यही एंडोथेलियन वन, ये सेम ही है। यहाँ पे अगर ये एंडोथेलियन बी बनाएगा, यहाँ पे एंडोथेलियन ए बनाएगा। अब ये एंडोथेलियन ए क्या है, एंडोथेलियन क्या है, वो जब हमारी वेसल्स होती है, वेसल्स में एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उसी के ऊपर रिसेप्टर है ये। तो एंडोथेलियन वन जो है वो एंडोथेलियन ए, एंडोथेलियन वन जो है वो एंडोथेलियन बी भी बनाता है। तो जो ए है अगर ये इसके साथ बाइंड कर गया, एंडोथेलियन वन के साथ एंडोथेलियन ए के साथ बाइंड कर गया, तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। और अगर एंडोथेलियन बी के साथ बाइंड कर गया तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ साथ वैसो डायलेशन भी करवाता है। तो ये दोनों करवा रहा है, वैसो डायलेशन एंड वैसो कंस्ट्रिक्शन। बस याद रखना कहाँ पे करवा रहा है, ये पल्मोनरी ब्लड वेसल्स, मतलब जो लंग्स को जा रही हैं और लंग्स से आ रही हैं वो जाती है हमारी पल्मोनरी ब्लड वेसल्स, उनकी वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। और जो एंडोथेलियन बी है ये किसकी करवाएगा, जितनी भी हमारी स्मूथ मसल्स हैं, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स लाइक आर्टरीज वगैरह वो सब, उनमें।
नॉर्मली क्या हो रहा था, एंडोथेलियल ए जो है वो वैसे कंस्ट्रक्शन करवा रहा था पल्मोनरी ब्लड वेसल्स की, एंडोथेलियल बी जो है वो वैसो कंस्ट्रक्शन के साथ वैसो डायलेशन भी करवा रहा था किसकी, वैस्कुलर स्मूथ मसल्स की। अब क्या होता है, हमारे जो हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं बोसन बोसनटन और टेजोसेंटन, ये क्या करेगा, कौन कौन सा ड्रग है, बोसेंटन एंड टीजो सेंटन। अब जो हमारा टीजो सेंटन है ये नॉन सेलेक्टिव है, ये दोनों के साथ बाइंड कर जाता है, जबकि बोसन सेंटन सेलेक्टिव है, ठीक है, ये उसी के साथ बाइंड करेगा। तो अब ये क्या करेंगे, ये ड्रग जो है वो यहाँ पे एक्ट करेंगे, ये प्रोसेस इनहिबिट कर देंगे, ठीक है, ये प्रोसेस नहीं होगा तो आगे कुछ भी नहीं होगा, वैसे कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वैसे डायलेशन कुछ नहीं होगा, तो जिसकी वजह से किसी हद तक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर रुक जाता है। क्योंकि वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, हार्ट पे लोड बढ़ेगा उसको पंप करने का, लेकिन वो जो आफ्टर लोड, वो जो धीरे धीरे पंप कर रहा है उसके अंदर ही वो लोड बढ़ रहा है, बाहर वो पंप नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो कम आ रहा है, ठीक है। तो ये करता है, इसको इनहिबिट करता है ताकि एंडोथेलियन वन जो एंडोथेलियन ए है वो वैसो कंस्ट्रिक्शन ना करवा सके और हमारा हार्ट जो है वो धीरे काम कर सके अपने हिसाब से। सो बात करते दोनों के स्ट्रक्चर की, बोसिनटन एंड टीजोसिनटन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी सेंटर में एक पायरिमिडिन रिंग होगी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, ठीक है, ये होगी हमारी पायरिमिडिन रिंग फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, नाइट्रोजन। देन अब जो चार जगहें बच गई हैं, चारों जगह अलग अलग ग्रुप आएगा, ठीक है। अब बोसन सेंटर में क्या होता है, सेम जो नाइट्रोजन के बीच वाला कार्बन है वो सेम इसी को कॉपी करता है, मतलब क्या, यहाँ पे हमें एक और दिखने को मिलेगा सेम पायरिमिडिन ग्रुप जो कुछ इस तरह से है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है, फर्स्ट थर्ड पोजीशन पे सेम, बिल्कुल इसके अपोजिट ही है, ठीक है, ये एक ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे तीन ग्रुप कौन से लगेंगे, यहाँ पे लगता है हमारा सल्फामाइल ग्रुप NH के साथ, ठीक है, डायरेटिक्स में पढ़ा था सल्फामाइल ग्रुप NH के साथ ये, एंड देन बेंजीन, सिंपल बेंजीन, बेंजीन जो कार्बन से जुड़ी है, जो कार्बन क्या है अपने आप में क्वाटरनरी है, ये कार्बन CH3 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 के साथ जुड़ा हुआ, सी सिंपल है ये। अब ये दो रह गए जो उसमें क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आएगा दोनों में, एक तो मिथेनॉल को कनेक्ट कर देगा और दूसरा बेंजीन को अगेन, तो ये कनेक्ट करेगा अगेन बेंजीन को, और उसी बेंजीन में सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन के साथ CH3, और यहाँ पे मैंने बोल दिया इथेनॉल तो C2H5OH, या फिर हम ऐसे करके लिख सकते हैं, एक दो यहाँ पे OH, ठीक है, CH2 CH3 सी CH3 CH2 CO H, तो ये हमारा हो गया बोसन सिंटन का स्ट्रक्चर। अब टेजन सिंटन का भी सेम ही है क्या, सिर्फ यहाँ पे चेंज आएगा, तो मैंने ये बना ली हमारी, ठीक है, सेम यहाँ पे एक अलग ग्रुप आएगा, यहाँ पे सल्फोमाइल ग्रुप NH डबल बोंडो एच डबल बोंडो बेंजीन के साथ कनेक्ट है, जो बेंजीन आगे कनेक्ट है कार्बन के साथ, जो आगे टर्शरी कार्बन है, सॉरी इक्वाटरनरी कार्बन है, देन अगेन यहाँ पे ये जिस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है वो बेंजीन के साथ कनेक्टेड है, एंड इसी की सेकंड पोजीशन पे वो CH3, ठीक है, सेम ही है बिल्कुल, देन ये वाला जो है वो मिथेनॉल के साथ कनेक्टेड है, इथेनॉल CH3 CH2 OH। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगी हमारी ये एरोमेटिक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगी हमारी पायरिडीन रिंग, पायरिडीन रिंग यानी बिल्कुल इसके अपोजिट पे नाइट्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है, और वो नाइट्रोजन आगे जुड़ा होगा, ये भी रेजोनेंस वाली है, वो आगे नाइट्रोजन जुड़ा होगा टेट्रा एजोल से, तो यहाँ पे एन अगेन एन जो आगे जुड़ा हुआ है दो एन और के साथ एन एन, ठीक है,
तो यहाँ पे अगर मैं डबल बोन बनाऊँगा दिस दिस पीएच बढ़ गया, तो यहाँ पे एनएच आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये है मेरा टेट्रा एजोल, दिस वन इज पाइरिडीन, दिस वन इज पाइरिमिडीन, ठीक है, ये तो पता ही है। इथेनॉल है जो ऑक्सी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, इतना ये इथेनॉल है। नहीं ये तो पता, बेंजीन के साथ OCH3, तो ये हो जाएगी हमारी एनिसोल रिंग ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है। और ये सल्फोमाइल ग्रुप, सिंपल है। सो हमने इसका मैकेनिज्म एक्शन देख लिया। मैकेनिज्म एक्शन क्या देखा हमने, जो ये टेजोसेंटन है ये नॉन सेलेक्टिव होता है, ये बाइंड कर सकता है विद एंडोथेलियन ए, एंडोथेलियन बी दोनों का, जबकि जो हमारा बोसेंसिन है वो सेलेक्टिव है। ठीक है, ये होगा इसका स्ट्रक्चर के साथ साथ इसका मैकेनिज्म एक्शन भी। सो वी हैव अ लास्ट ड्रग निसिटेराइड, तो इसका स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है 32 अमीनो एसिड से मिलकर ये बनता है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ 32 अमीनो एसिड्स। ठीक है, और ये रिकॉम्बिनेंट है, यूज़ होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, तो ये रिकॉम्बिनेंट बी टाइप नोट्रोटिक पेप्टाइड है। पेप्टाइड यानी अमीनो एसिड से बना तो पेप्टाइड ही होगा। अब न्यूट्रोटिक क्यों खोला हमने, हम पढ़ते हैं न्यूट्रोटिक फैक्टर ANF जो होता है वो तब एक्टिवेट होता है जब हमारा ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो वह करता है वो किडनी से, किडनी पे एक्ट करता है और रेनिन का रिलीज़ कम कर देता है। रेनिन का रिलीज़ अगर कम हो जाएगा तो AC जो हमारा RAS है, RAAS रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ रहा था, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा था, वो अब कम हो जाएगा। रास क्या करता है, हमने पढ़ा था एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम इनहिबिटर्स में, ठीक है, रास मैकेनिज्म। तो ये RAA सिस्टम क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है, ठीक है, इन सब के हार्मोन की वजह से। तो इसकी वो क्या करता है, ANF जो होता है वो रेनिन का सिक्रीशन कम कर देता है। ठीक है, तो अगर उसका सिक्रीशन कम कर देगा रेनिन का, तो रेनिन जो है वो ये जो रास सिस्टम है ये कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो अगर ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो हार्ट पे स्ट्रेस कम आएगा, तो कंजेशन हार्ट फेलियर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और ये क्या करता है, ये बैलेंस, ज़्यादा बैलेंस, ज़्यादा वैसो डायलेशन नहीं करनी है, तो ये बैलेंस कंडीशन में वैसो डायलेशन करता है, लिमिटेड, ठीक है, बैलेंस वैसो डायलेशन और इनडायरेक्टली कार्डिक आउटपुट भी बढ़ा देता है, क्योंकि अब हार्ट पे इतना स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है, तो इनडायरेक्टली कार्डिक आउटपुट बढ़ गया। ठीक है, ये थे हमारे 5 ड्रग्स जो हमने पढ़े, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स पढ़े, डिगोक्सिन डिगिटॉक्सिन, और हमने पढ़े एंडोथेलियन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बोसेंटन एंड टेजोसेंटन, और ये लास्ट वाला निसिटेराइड, और ये रिकॉम्बिनेंट बी टाइप नेटरेटिक पेप्टाइड है जो 32 अमीनो एसिड से बना हुआ है। इसके बारे में इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।